सभी दोस्तों को ऋषिपाल दून का नमस्कार। और दोस्तों आज हम पहुंचे हैं गोहाना में, यहाँ पर देख रहे हो लावारिस पीड़ित गौवंश, ये जो है पानीपत बाईपास पर है और यहाँ पर सौ शुद्ध देसी घी घ्योर जलेबी आपको पूरा सौ की सौ शुद्ध मिलेगा। जब भी आओ इस भाई को सेवा का मौका दो, ₹5 समोसा कहीं नहीं मिलेगा आपको दुनिया में। और ये जो सेवा है गौशाला के लिए है, आपका जो एक एक पैसा है वो गौ सेवा के लिए जाएगा। जब भी आओ तो इस भाई के पास ज़रूर आओ। वो कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पिछले साल भी था इसका भाई का, उससे पिछले साल भी था, ये आए साल। और जो शिव भगत हैं उनकी तो यहाँ फ्री में सेवा है, किसी टाइम आ सकते हो। नरेश सहल जोड़ी, मुकेश हलवाई। और आइए थोड़ा आपको अंदर की भी रूपरेखा दिखाता हूँ। जब भी आओ फिर बताता हूँ, इस भाई को जरूर सेवा का मौका दो। और देखिए शुद्ध बिल्कुल देसी घी से बनती हैं जलेबी भी घ्योर भी। आइए 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 भाई साहब, ये दिखाइए, ये कौन सा घ्योर है भाई साहब? ये तो वो है लाल घ्योर, दूध वाला, दूध वाला है। और घी कौन सा इस्तेमाल करते हो आप? वीटा का, वीटा घी है जी, देसी वीटा का घी। वीटा का जो देसी घी है उसका इस्तेमाल करते हैं। आइए आपको दिखाऊंगा, ये वो पीपा भाई साहब, बिल्कुल कोई यहाँ धोखा पट्टी वाली बात नहीं है। वीटा का घी इस्तेमाल होता है घ्योर में, यहाँ केसर का भी और है, मोवे का भी है, सादा भी है। और जलेबी तो क्या कहना है, क्योंकि आपने पता है पूरे भारत में गोहाने की जलेबी प्रसिद्ध है, लेकिन अंदर लोगे और बाहर लोगे उसमें रेट में बड़ा फर्क है। चलो भाई साहब, राम राम। राम राम जी, राम राम भाई साहब। नो बता दे पहले तो कौन सा घी इस्तेमाल कर हमारे दोस्तों? वीटा का घी जी, बिल्कुल इधर दिखाओ, फिर दिखाते सारा घी बिल्कुल वीटा का। हाँ जी, यहाँ 1% भी कोई धोखा, कोई धोखा की बात नहीं होगी जी। क्या भाई साहब जलेबी का? जलेबी का 200 रुपए किलो रेट है जी। और अंदर क्या रेट होता है? अंदर 300 रुपए किलो रेट है, 280 रुपए किलो रेट है प्योर जलेबी का। हमारे पास अवेलेबल नहीं है अभी, गाय का घी आएगा, गाय का घी की 250 रुपए किलो जलेबी मिलेगी। और इससे की ओर से 50 रुपए रेट तेज गाय के घी का घ्योर मिलेगा भाई साहब, बिल्कुल प्योर है। भी कम। और समोसा कितने का है? ₹5, बिल्कुल ₹5। 5 रुपए का समोसा आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। 20 रुपए का है सादा समोसा, वो भी चटनी के साथ। हाँ जी, ये घ्योर कितने प्रकार का होता है अपने पास? घ्योर जी 6-7 प्रकार का घ्योर है जी। दूध वाला, मावे वाला, सफेद सादा, और केसर वाला, चॉकलेट वाला। एक बार हमारे दर्शकों की जगह का नाम भी बता दे। ये जी पानीपत रोड पर है जी, इसके भारत के एजेंसी के गैस के सामने, पानीपत रोड बाईपास पर, उन्ना होटल के पास। भाई साहब इतना रेट कम क्यों आपका, क्या कारण है? बस ये गौशाला की तरफ से करे जी सेवा, ये गौशाला की तरफ से है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल नो लॉस नो प्रॉफिट। हाँ जी हाँ जी, ना तो कोई फायदा होना चाहिए ना टोटा होना चाहिए, यह तो एक प्रकार की सेवा है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल जी। देखिए मुकेश जी, ये जी इतने वर्कर आ रहे हैं, कम से कम भी यहाँ पर 50 है अपने। हाँ जी, काम नहीं, बस इनका खर्चा पानी लेकर जाओ। और पिछले साल जो नंदी गौशाला में पंडाल लगा रखा था, वहाँ पर 5 लाख रुपए दान में दिए थे हमने जी। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब की बार ये जो लावारिस पीड़ित गौशाला है इसकी तरफ से प्रोग्राम कर रखा है हमने ये, ठीक है, धन्यवाद। हाँ आइए, आपको थोड़ा समय समय भी बनते दिखाएं। चलिए, और भाई देखिए ये बहन जी बना रही है समोसा, क्या नाम है बहन जी? पूजा। पूजा? हाँ जी। पूजा कहाँ से हो? गुहाने से जी। गुहाने से? हाँ, मैम फाटक ठसका रोड, ठीक है। रोजाना होगी यहाँ पर? हाँ जी। और ये तरह समोसे बनवाओगी? हाँ जी। आपका क्या नाम है बहन जी? रेखा। रेखा, रेखा पिछले साल भी थे का अभी पहली बार आए? पिछले साल भी थे जी, नंदी गौशाला पिछले साल भी सेवा करी और अभी भी। हाँ जी, ये एक प्रकार की सेवा है। हाँ जी। और मैं तो ये कहूँ इसी प्रकार बहन जी करते रहिए, और भगवान आपका घर है जो खुशियों से भरते। ये चीज जो बहन जी समोसे बनाती हैं, आप फिर कहता हूँ सेवा का मौका जरूर दे, आपका जो पैसा है वो गऊ की सेवा के लिए जाएगा। और ये है भाई का रेट, 5 रुपये समोसा, 200 रुपये देसी घी का, और 500 रुपये केसर वाला, और चॉकलेट वाला। आचार्य योगेंद्र आर्य जी वो अभी यहाँ पहुँचे हैं। आचार्य जी सभी फूलमाला डालकर स्वागत करते हुए आचार्य जी, अच्छा
बाबा जी आशीर्वाद देने के लिए। प्रणाम महाराज। प्रणाम जी। प्रणाम बाबा जी। हमारे दर्शकों को बताना जी जी जी, यहाँ की जो रुपए का कैसे इतना कम रेट है, इतना शुद्ध कैसे है यहाँ पर? ये जो यहाँ पर घेवर का कार्य सावन के महीने में किया जा रहा है चतुर्मास में, ये स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं है, सेवार्थ किया जा रहा है, सेवा के लिए। हाँ जी हाँ। ये आम आदमी के लिए, गरीब आदमी की पहुँच के अंदर बढ़िया चीज़ और शुद्ध देसी घी से बना हुआ घेवर मिल जाए, और इसके इससे जो बचत है उसका नाम मात्र अपने लिए रखकर बाकी गौ सेवा में इसका लगाया जाएगा। जो लावारिस हैं, पीड़ित हैं और ऐसाए हैं, लंगड़ी लूली गायें हैं, घायल हैं, उन गायों की सेवा में इसका प्रयोग होगा, और बड़ा शुद्धता का विशेष ध्यान रखा गया, शुद्ध देसी घी से बनाया गया है। देखिए घेवर एक विशेष मिठाई है, और बहुत सारी मिठाइयाँ तो क्या है पूरे वर्ष भर चलती हैं, ये घेवर एक ऐसी मिठाई है जो साल में बस चार महीने चौमासे में ही काम आती है, और ये हरियाणा की विशेष मिठाई है। बाकी तो नकल कर रहे हैं लोग, आजकल बनाने लगे सब जगह पे, परंतु हरियाणा में प्राचीन काल से हम बचपन से देखते आए कि इस मिठाई का श्रावण के महीने में, चातुर्मास में, चौमासे में प्रयोग होता है। तो आयुर्वेद की परंपरा को हम वहन करने वाले लोग हैं, तो आयुर्वेद में महर्षि चरक से उनके गुरुजी पूछते हैं कि को रुक को रुक को रुक, कि कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है। तो महर्षि चरक उत्तर देते हैं कि हित भूख मित भूख रित भूख, वह व्यक्ति स्वस्थ है जो हितकारी खाता है, मित भूख अर्थात कम खाता है, और रित भूख जो ऋतु के अनुसार भोजन करता है, कि गर्मी में गर्मी का भोजन खाए, सर्दी में सर्दी का भोजन खाए, और वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु के अनुकूल भोजन करे। तो ये मिष्ठान है, जैसे ये घेवर का है, ये वर्षा ऋतु का मिष्ठान है। तो ये भाई मुकेश जी ने वर्षा ऋतु के समय में घेवर का शुद्ध देसी घी से बनाकर आम लोगों की पहुंच के अंदर बहुत सस्ते दाम पर देसी घी से, तो इतना रेट कम क्यों है हमारा? इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, एक गड़ा ज़्यादा लाभ लेकर नहीं चल रहे, केवल क्या है तो दाल रोटी सेवा का है, दाल रोटी चलती रहे और गौ माता का इस माध्यम से कुछ लाभ हो जाए और आम आदमी को भी इसका फायदा हो सके, ये उद्देश्य। हमारे साथ महाराज जी जिन्होंने इस भंडारे की पूरी रूपरेखा दी, और जय हिंद जय भारत। शस्त्र शस्त्र आदि को संभाल के रख देते थे तेल लगाकर, और जब चातुर्मास समाप्त होता था उसके बाद भी दादी के कार्य प्रारंभ होते थे, और चातुर्मास में जो ऋषि मुनि लोग होते थे वे भी भ्रमण छोड़कर एक स्थान पर किसी गांव या नगर के निकट अपना स्थान बना लेते थे, पूरे चार महीने वहीं आवास करते थे और पहाड़ों से नीचे उतर आते थे, पहाड़ों पर भी नहीं रहते थे चार चार महीनों में। तो इसी ये गुरु पूर्णिमा की एक स्थान पर साधु संत ठहरे।